इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ CSVTU B7 सेमेस्टर न्यू स्कीम के एग्ज़ामिनेशन टाइम टेबल के बारे में। यह एग्ज़ामिनेशन जो हो रहा है, यह एग्ज़ामिनेशन अप्रैल मई 2020 सेशन का है। तो इस यह जो एग्ज़ाम है, यह एक बैकलॉग का एग्ज़ाम है, ये रेगुलर का एग्ज़ाम नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो टाइम टेबल आया है, ये बैकलॉग एग्ज़ाम का है। तो इसका जो पहला पेपर होगा 15 दिसंबर 2020 मंगलवार को। दूसरा पेपर है इसका 17 दिसंबर 2020 गुरुवार के दिन है। तीसरा पेपर है 21 दिसंबर 2020 सोमवार को। चौथा पेपर है 23 दिसंबर 2020 बुधवार को। इसके बाद जो आखिरी पेपर है वो है 26 दिसंबर 2020 शनिवार के दिन है। जो भी एग्ज़ाम की टाइमिंग्स है आप देख सकते हैं टाइम टेबल में, आपके मेंशंस हैं। ये जो एग्ज़ाम होने जा रहा है, ये एग्ज़ाम हो रहा है ऑफलाइन मोड पे एग्ज़ाम हो रहा है। तो इस ऑफलाइन मोड में सारे गाइडलाइंस का पालन किया जाना ज़रूरी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि दिशा निर्देश पे लिखा हुआ है कि एक कक्ष में, यदि वो हॉल नहीं है तो उसमें मैक्सिमम 20 स्टूडेंट्स बैठेंगे, और यदि कोई सेमिनार हॉल है तो उसमें मैक्सिमम 40 स्टूडेंट्स बैठेंगे, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो सके। इसके अलावा हर रूम में जब भी स्टूडेंट प्रवेश करने वाला होगा, उसके पहले उसकी थर्मल स्कैनिंग की जाएगी, और यदि बॉडी टेम्परेचर सही पाया जाएगा, उपयुक्त पाया जाएगा, तभी उसको प्रवेश दिया जाएगा। और यदि ऐसा नहीं होता है तो उसके लिए भी गाइडलाइन है कि उसे अलग से आइसोलेट यानी कि सेपरेट कमरे में बिठाया जा सकता है या फिर आइसोलेशन में भेजा जा सकता है। इसके अलावा ये लिखा है कि परीक्षा कक्ष में प्रवेश के पूर्व पूर्णतः आपको हैंड सैनिटाइजेशन किया जाएगा स्टूडेंट्स का, और यह कंपलसरी है कि स्टूडेंट्स को मास्क लगाना है, और हर एग्ज़ाम के बाद एग्ज़ाम हॉल को सैनिटाइज करना भी ज़रूरी है। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।